सरकारी धन का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है उसका जीता जागता नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पौड़ी जनपद का संगलाकोटी इलाका है और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये छोटी नदी जो आपको दिखाई दे रही है पीछे, ये मछलाड़ नदी है। और यहाँ पे आप जो दीवारें देख रहे हैं पीछे, दो दीवारें आप देख रहे होंगे पीछे, एक जो ये पक्की दीवार लगाई जा रही है और एक जो वायर क्रेट वाली जो दीवार आप देख रहे हैं, 2 महीने पहले जलागम विभाग ने ये वायर क्रेट वाली दीवार यहाँ पे लगाई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे। और अब ठीक इसी दीवार के पीछे सिंचाई विभाग 1 करोड़ की लागत से बाढ़ सुरक्षा दीवार यहाँ पे लगा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 1 करोड़ और 6 लाख हम जोड़ लें तो ये 1 करोड़ 6 लाख का काम तो ताजा बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है। इस इधर जो खेती है ये बंजर पड़ी हुई है और इसके बंजर होने का कारण ये है कि यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता। अगर ये मछलाड़ नदी का पानी इस जो खेती है यहाँ तक पहुँच जाए, इन खेतों तक पहुँच जाए, तो यहाँ पे लोग खेती करें और ये खेत बंजर न रहें। मजे की बात यह है कि ये दोनों विभाग इस समय पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के पास है, जलागम विभाग भी उनके पास है और सिंचाई विभाग भी उनके पास है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही विभाग, एक ही मंत्री और इस तरह के दो दो काम, आप काम नहीं कहेंगे ने तो ये कहा जाएगा कि इस पैसे को जो है ना खड्ड में डाला जा रहा है। तो अगर इसी तरीके से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पैसे को खड्ड में डाला जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी पहाड़ी इलाका विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ भास्कर भाई, करीब 2 साल पहले जब कमिश्नर गढ़वाल यहाँ पे आए थे, हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे जो ये खेत हैं आप भी इसमें प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कि लोग इकट्ठा करके यहाँ पे खेती की जाएगी, लेकिन जो सरकारी पैसा आ रहा है उसका लगातार दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरह से 1 करोड़ रुपए की यहाँ पे सुरक्षा दीवार लगाई जा रही है, उससे पहले जलागम विभाग भी 6-7 लाख रुपए यहाँ पे लगा चुका है, लेकिन खेती के लिए ना तो गूल आ रही है ना घेरबाड़ हो रही है, उस तरह का कोई काम नहीं हो रहा। तो क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि उस समय जब कमिश्नर साहब आए थे तो उन्होंने ये खेतों के लिए सुरक्षा दीवार की वो मांग करी थी हमने उनसे, तो उन्होंने स्वीकृत भी करवाया था उससे, तो उसका कुछ हिस्सा छूट गया था। तो मैंने कृषि अधिकारी को बोला था कि इसे पूरा किया जाए, तो उन्होंने कहा हमारे पास बजट नहीं है। और मैं ये देख रहा हूँ 1 करोड़ रुपये का बजट सीधा नदी में जा रहा है, जो सरासर औचित्यहीन है मतलब। और मैं 2010 से लगातार प्रयास कर रहा हूँ संगलाकोटी में स्वच्छता अभियान पे, और 2016 में मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी दी थी कि हमें स्वच्छता के संबंध में कुछ उपकरण या सफाई कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएं, तो वहाँ से भी मुझे जवाब मिला कि हमारे पास बजट नहीं है। जब जन सुविधाओं के पास बजट नहीं है तो इसके लिए बजट कहाँ से आ रहा है, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। ये तो सरासर दुरुपयोग है और मैं चाहता हूँ कि इसमें पूरा काम जाँच बिठाई जाए। इसमें इस पैसे का कहाँ सदुपयोग हो सकता है? इस पैसे का सदुपयोग हो सकता है, अब संगलाकोटी की जरूरत है एक सुलभ शौचालय, संगलाकोटी में जरूरत है एक पार्किंग की, संगलाकोटी में जरूरत है सफाई कर्मचारियों की, संगलाकोटी में जरूरत है मिनी स्टेडियम, नियमित एटीएम में कैश होने की, संगलाकोटी में जरूरत है मिनी स्टेडियम की, डॉक्टर में अस्पताल में डॉक्टरों की जरूरत है, टेलीफोन या लैंडलाइन कनेक्शन नहीं है, उसमें पैसा का उपयोग किया जा सकता है जो जन सुविधाओं को बढ़ाएगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका, क्या कंप्लेंट है आप लोगों? मेरा नाम जानपाल सिंह पंवार है, ग्राम बैठगांव से हूँ मैं और आरटीआई संयोजक हूँ, आरटीआई क्लब उत्तराखंड देहरादून से, और पब्लिक के लिए काम करता हूँ। और जितने भी काम चल रहे हैं, चाहे मनरेगा हो, जलागम हो या विधायक निधि का हो, सारा ही इसी तरह खड्डा चल रहा है। ठीक है, हम सूचना लगा लगा के थक गए, लेकिन कर्मचारी जिला अधिकारी क्या फलाना क्या कोई भी अधिकारी A to Z नीचे से लेके ऊपर तक हालत पूरी है। ठीक है, और इसी तरह पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास जाता नहीं है, वहीं से आता है और वहीं चला जा रहा है। हाँ भाई साहब, क्या है आपके लोगों की कंप्लेंट? हमारी कंप्लेंट ये है साहब कि इसमें अनावश्यक जो है पैसे का जो है दुरुपयोग हो रहा है। पहले जलागम वालों ने ये जो दीवार लगाई
इसके पीछे ये दीवार लगाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उसमें तार बाड़ है पूरा और हमारे गांव का पूरा बजट, मतलब जो हमारे गांव का बजट है उसमें हम लोगों का जो है पैसा लगा हुआ है, यहाँ हमारा बजट काट के। फिर इससे पहले सिंचाई विभाग ने यहाँ पुल बनाई थी, उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च हो रखा है, कहीं कोई सिंचित जमीन नहीं आ रही, उसमें कुछ नहीं है, मतलब सारा मतलब ये सब पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, मतलब सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए हम ये चाहते हैं जांच बिठाई जाए, मतलब इसलिए जांच की जाए। जागो उत्तराखंड के लिए संगला कोटी पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।